हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट बायो मैग्निफिकेशन। इसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो जब आप इस नाम को ब्रेक डाउन करते हैं, यू गेट बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मैग्निफिकेशन का मतलब चीजों का बढ़ना। तो व्हेन we will find into the living organisms or living system, certain toxic substances would start to increase at successive trophic levels, तो उसे कहा जाएगा biomagnification. We can see here that increase in the concentration of toxicants at successive trophic level is referred to as biomagnification. अब biomagnification में जो substance accumulate हो रहा है, वो accumulate होने की वजह जनरली स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वॉट एवर गेट्स इन टू अवर बॉडी इज इधर मेटाबोलाइज या फिर इट इज एक्सक्रीटेड। बट इन केस ऑफ दिस बायो मैग्निफिकेशन वॉट डू वी फाइंड, वी फाइंड दैट द सब्सटेंस इज नॉट मेटाबोलाइज नॉर इट इज एक्सक्रीटेड। मतलब न तो मेरी बॉडी उसको यूज कर पाती है, न उसको शरीर के बाहर निकाल पाती है। बट धीरे धीरे ये मेरी बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, तो इसका एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है मर्क्यूरी और डीडीटी। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एक क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना। बरसात के सीजन में आपने नोटिस किया होगा जो हमारी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं, वो क्या करती है, रोड किनारे कुछ व्हाइट कलर का पाउडर छाटती है। बेसिकली ऐसे जगह पर जहां पर कूड़ा कचरा ज्यादा फेंका होता हो, वहां पर यह व्हाइट कलर का पाउडर बहुत खास करके डाला जाता है। ये पाउडर क्या है, दिस इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये अलॉन्ग विथ मर्क्यूरी इज समथिंग जो ना तो मेटाबोलाइज होता है और ना ही एक्सक्रीट होता है। जो बरसात होती है एक्सेसिवली, तो यही वाटर के द्वारा जो डीडीटी है वो रन ऑफ होता है, इट एंटर्स इनटू द वाटर बॉडीज। अगर वाटर बॉडी में वो पहुंचा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है समवट अराउंड 0.003 ppb, जहां पर पीपीबी का मतलब है 5 per billion। इसका मतलब अगर आपके पास एक जगह पर एक बिलियन पार्टिकल्स हैं, तो उनमें से 0.003 पार्ट जो होगा वो होगा आपके डीडीटी का इन वाटर। अब दिस वाटर इज बीइंग यूज्ड बाय द जू प्लांकटन्स। तो वो वाटर धीरे धीरे जू प्लांकटन कंज्यूम करते जाते हैं और ग्रेजुअली वी ऑब्जर्व के जू प्लांकटन के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आप नोटिस करिएगा, 5 per billion से ये बढ़ करके 5 per million हो गया 0.04। अब प्लांकटन्स जो थे, कौन से जू प्लांकटन्स, इनको कौन कंज्यूम कर रहा है, इनको कंज्यूम कर रही है स्मॉल फिशेस। तो स्मॉल फिशेस एक दो जू प्लांकटन खाएंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है ज्यादा खाएंगे। तो बच्चों, जब ये ज्यादा खाया जाएगा जू प्लांकटन, तो हम क्या देख रहे थे, अलॉन्ग विद द जू प्लांकटन ये डीडीटी भी उसके अंदर अक्यूमुलेट होगा। अब डीडीटी की तो आपको पता है बात खास वाली, क्या, ना तो मेटाबोलाइज होना है ना एक्सक्रीट होना है। तो धीरे धीरे इस स्मॉल फिश के अंदर वो अक्यूमुलेट होगा और अब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ करके हो जाएगा 0.5 ppm, 5 per million। स्मॉलर फिशेस जो है वो कंज्यूम की जाएंगी लार्ज फिशेस के द्वारा, बड़ी मछलियों के द्वारा। तो यहां पर एक शार्क जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है। आई डो नॉट नो वेदर आपको पता लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, बट हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि शार्क जैसे लगे। ठीक है, तो जब ये लार्ज फिशेस इन स्मॉलर मछलियों को खाएंगी, हम देखेंगे बच्चों अभी और अक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, बहुत सारी स्मॉलर फिशेस को खाया जाएगा और यहां पर जो अक्यूमुलेशन था, जो कॉन्सेंट्रेशन था डीडीटी का, वो बढ़ करके हो जाएगा 2 ppm। अब देखिए, हर ट्रॉफिक लेवल पर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और इन फिशेस को अगर कंज्यूम किया जाता है किसी फिश ईटिंग बर्ड के द्वारा, तो आप देखोगे वो जो है इस इकोसिस्टम में, इस फूड चेन में सबसे टॉप पर है, है ना, इट इज द टॉप कार्निवोर। यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है डीडीटी का वो बढ़ करके 5 ppm तक पहुंच चुका है। एट टाइम्स वी हैव ऑल्सो फाउंड इट इज एज हाई एज 25 ppm, है ना। तो बढ़ने दो यार, है इस डीडीटी के बढ़ने से क्या नुकसान है, क्या फायदा, बढ़ने दो, बर्ड्स के अंदर जा रहा है, जाने दो, क्या नुकसान होगा उससे। कुछ तो नुकसान होता ही होगा ना यार, कुछ नुकसान होता होगा, तभी तो एनसीईआरटी वालों ने बुक में डाला है आपके,
पगले तो है नहीं वो लोग। तो देखो यार नुकसान क्या होता है, ये जो डीडीटी है ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है बर्ड्स के अंदर। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इट डिस्टर्ब्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बर्ड्स। और आपको पता है बर्ड्स जो है वो ओवीपैरस है, दैट मींस दे ले एग। तो ये जो अंडे होते हैं आपको पता है ये अंडा है, अरे यार अंडे जैसा बनो भाई साहब, यस दिस इज एन एग। आपको पता है कि बीच में इसके यॉक होता है और फिर यहां पे साइड पे वो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट जो होता है एग व्हाइट होता है बेसिकली। तो ये जो ऊपर जो कवर है ना ये आपकी है एग शेल, और जो बच्चों एग शेल होती है वो बनती है कैल्शियम सॉल्ट्स की। यहां पर डीडीटी ने क्या करा था, इस कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रखा था। मतलब ये जो एग शेल था ना बच्चों, इट वॉन्ट डेवलप टू एन एक्सटेंट के वो इस एग को अच्छे से सपोर्ट कर सके। मतलब वो जो एग शेल का लेयर बना होगा ऊपर, एग शेल बनी होगी, वो बहुत पतली हो जाएगी। अगर पतली एग शेल होती है तो उससे नुकसान क्या होता है, जो अंडे होते हैं वो प्री मैच्योरली हैच हो जाते हैं। आपको पता होगा कि मुर्गियां जब अंडे देती है या फिर कोई भी बर्ड जब एग देता है तो वो हैच करने के लिए काफी समय लगता है उसे, दैट फेज इज दैट पीरियड इज इंक्यूबेशन पीरियड। बट यहां पर क्योंकि अंडे पतले थे तो वो हैचिंग का जो पूरा इंक्यूबेशन पीरियड था वो पूरा हो नहीं पाता, पूरा इंक्यूबेशन पीरियड खत्म नहीं होता है। एंड उससे पहले ही क्योंकि ये थिन था, हमारे जो बर्ड्स है उसको कमिंग जो अंडे थे वो जब डेवलप होंगे तो ये अंडे का जो एग शेल है वो फूटेगा और हमारे बर्ड्स समय से पहले बाहर आ जाते हैं और इस वजह से उनकी हो जाती है मृत्यु, दे डाई। ऐसा एक दो के साथ नहीं होता है, इट हैपेंस ऑन अ वेरी मैसिव स्केल। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू फाइंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर जगह पर जब ये बहुत ज्यादा लेवल पे होगा, जब ऑफस्प्रिंग्स आएंगे ही नहीं, तो हम देखेंगे धीरे धीरे ये जो कार्निवोर है, जो टॉप कार्निवोर है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी बच्चों, और उसकी वजह से इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि ये तो इसके द्वारा कंज्यूम किए जा रहे थे। इनकी पॉपुलेशन बढ़ने पर ये ज्यादा कंज्यूम होते, इनकी पॉपुलेशन डिप्लीट होती, इनकी पॉपुलेशन डिप्लीट होने की वजह से ये जो जू प्लैंकटन थे वो बढ़ते। अब ये जो मछली थी ये जू प्लैंकटन तो खा नहीं सकती है ना, ये जो तुम्हारी लार्जर फिश है वो जू प्लैंकटन तो खा नहीं सकती है, तो ये भी मर जाएगी। अब इनको तो कोई कंज्यूम करने वाला ही नहीं है, तो आगे जाके इनकी आबादी बहुत बढ़ जाने वाली है, बहुत बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिशन होगा न्यूट्रिशन को लेकर के। एंड फाइनली हम क्या देखेंगे, जो कंपटीशन होगा उसमें न्यूट्रिशन धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा, जो स्ट्रांग होंगे वो सर्वाइव करेंगे और इवेंचुअली न्यूट्रिशन डिप्लीट होने पर ये जू प्लैंकटन भी मर जाएंगे बच्चों। पर ये सब क्यों हुआ, हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने डीडीटी छाटा और वो डीडीटी गया पानी के अंदर। उस पानी के अंदर डीडीटी के पहुंचने से इतनी लंबी कहानी हुई बच्चों। तो हमारा एक छोटा सा गलती विदाउट अस इवन रियलाइजिंग कि वो गलत है बहुत बड़ा इंपैक्ट कॉज कर सकता है। आई फिनिश ऑन दिस नोट एंड उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मेक अप।